सर्व जातीय सर्व खाप महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी मेवा सिंह मोर की प्रथम पुण्यतिथि बाबा मनसानाथ छोटी गौशाला छात्र के प्रांगण में श्रद्धा से मनाई। तपाथुआ के सदस्यों ने चौधरी मेवा सिंह मोर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देकर नमन किया और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का संकल्प लिया। इस मौके पर समाज सेवी तपाथुआ के महासचिव सोमदत्त शर्मा ने कहा कि चौधरी मेवा सिंह का आज एक साल हो चुका है। उनकी पहली पुण्यतिथि गांव छात्र में मौजूद आदमियों के साथ बैठकर एक मीटिंग की और उनके साथ बैठकर विचार विमर्श किया, जिसमें चौधरी मेवा सिंह ने सारी जिंदगी समाज के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान किया। उन्होंने घर का काम न करके समाज हित का कार्य किया, जैसे नशे के खिलाफ, शादी में डीजे व दहेज के विरुद्ध इत्यादि कार्यों पर समाज हित में उनके सहयोग से बंधन लगाए गए। चौधरी मेवा सिंह जी को आज एक साल होएगा उसकी पुण्यतिथि पर गांव छत्र के अंदर बैठ करके गांव के मौजूद आदमियों ने मीटिंग करी और उसमें विचार प्रकट करे कि चौधरी मेवा सिंह ने सारी जिंदगी भर समाज के लिए अपना जीवन कुर्बान ही समझे, क्योंकि उसने घर का काम कभी किया ही नहीं, जितने भी कार्य किए हैं समाज के लिए, समाज के हित के लिए। किसी समाज में शराब की कुरीतियाँ हैं, कहीं डीजे शादी में बज रहे हैं या कहीं बहुत ज़्यादा संख्या में बरातें चल रही हैं, इस प्रकार के सामाजिक कार्य है चौधरी मेवा सिंह जी के सहयोग से खापों में बंधन लगाए, जिसको कोर्ट नहीं पूरा कर सकी। चौधरी मेवा सिंह जी के प्रयासों से समाज की बुराइयां दूर करने में हर समय तत्पर रहे और बुराइयों को दूर करना का उसका मेन लक्ष्य है। हम तो जातीय पंचायत तपत हुआ ही नहीं बल्कि हरियाणा के, जो क्योंकि वो सर्व जात सर्व खाप हरियाणा के अध्यक्ष रहे हैं, हम उनको कभी भूल नहीं सकते। और उसकी अक्षति जो हो रही है उसकी अभी तक तो पूर्ति हुई नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनकी आत्मा को कोई ठेस न, उनकी भावना का आत्मा को ठेस न पहुंचे, क्योंकि उनके बताए गए रास्तों पर चलने का हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो हर समय समाज हित के कार्यों के लिए तत्पर रहते थे। ऐसे समाज सेवकों को हम कभी भी भूल नहीं सकते। सत्य खबर के लिए उचाना से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।